बीजेपी की आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली जा रही है सचिवालय का घेराव करने के लिए। बाबा बालकनाथ मेरे साथ मौजूद हैं। बस अब आज से चुनावी शंखनाद कांग्रेस को घेरने की तैयारी। देखिए, कांग्रेस का अत्याचार दुराचार इतना बढ़ चुका है तो सारी सीमाएं लांघ चुका है। और कांग्रेस ने इस शासन काल में जिस प्रकार से महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, हर वर्ग का जो अपमान किया है, उसको राजस्थान अब नहीं सहेगा। और राजस्थान आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस को जड़ा मूल से राजस्थान में निस्तो नाबूद करेगा, साफ करेगा। लाल डायरी का मुद्दा सबसे ज्यादा है, लाल डायरी एक बड़ा हथियार बनती हुई। लाल डायरी के अंदर बहुत बड़े घोटाले इस सरकार के छुपे हैं। इस सरकार का लेन देन छुपा है। और इस सरकार ने जो राहुल गांधी एक गांधी परिवार को जितना पैसा जो राजस्थान की जनता के विकास में लगना चाहिए था, उस पैसे को राहुल गांधी की खिदमत में इस सरकार ने जो दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए राजस्थान की जनता का पैसे का जो उपयोग किया है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उसको राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। भाई साहब, आपने एक बात कही थी कि पंचर गाड़ी को चलाया नहीं जाता और मुख्यमंत्री के पैर में कील चुभ गई है, वो सरकार पंचर। गाड़ी 30 दिन से पंचर हुई है और दोनों टायर पंचर है, इसलिए चल नहीं रही है। तो आज ये पंचर हुई गाड़ी को अब राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी और इसको बदलने का संकल्प कर चुके हैं। सब महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इस पर खामोश। ये सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देती है, ये सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, ये सरकार तुष्टिकरण करने वाले सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण देती है, ये सरकार पेपर लीक करने वालों को संरक्षण देती है, ये सरकार अराजकता फैलाने वालों को संरक्षण देती है, ये सरकार माफियाओं को संरक्षण देती है। इस सरकार ने राजस्थान में लूट और झूठ की दुकान खड़ी की है। सब बीजेपी ने कहा था कि हम राजस्थान का वैभव देखना चाहते हैं, किसी एक वैभव के बारे में हमारी सोच नहीं। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2019 के चुनाव में कि ये देश के वैभव का प्रश्न है, ये राजस्थान के वैभव का प्रश्न है। लेकिन जोधपुर की जनता ने कांग्रेस के युवराज को, वैभव को हरा करके एक स्पष्ट संदेश जो है देश में दिया था, और एक बार फिर वही वैसा ही संदेश उतनी स्पष्टता के साथ देने के लिए राजस्थान की जनता ने कमर कस ली है। बिल्कुल, हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे। राजेंद्र राठौड़ से भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि राजेंद्र राठौड़ क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेके। बसाब राजेंद्र जी, बसाब ये विंगम दृश्य है। कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी है, सरकार को ललकारा है, भूतों ना भविष्य है, इस प्रकार का नज़ारा कभी नहीं रहा, आप देख रहे हैं। चारों ओर कार्यकर्ताओं का हजूम है और अब हम सचिवालय को रुख कर रहे हैं सरकार को घेरने के लिए। सब लाल डायरी में वो क्या राज है जिससे सरकार बच रही है बाढ़? वो सरकार ही बता सकती है। सरकार के पूर्व मंत्री और सरकार के मुख्यमंत्री जी के बीच की कयावत है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सर, आपने कहा था ये लाल डायरी सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित। निश्चित तौर पर सरकार अगर छुपाएगी तो ताबूत में आखिरी कील होगी।